हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवीना नीटिंग। आज देखिए, हम एक कलर में ये वाला पैटर्न बनाना सीखे गए हैं और इसे आप किसी भी स्वेटर में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि लेडीज़ कार्डिगन और जेंट स्वेटर, किसी में भी अप्लाई करें। बहुत ही प्यारा और सुंदर सा पैटर्न है और बहुत ही इजी पैटर्न है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पैटर्न को बनाना सीखते हैं, उसके फंदों का हिसाब लगाते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए हमें 7 के मल्टीपल से फंदे लेने हैं और 3 फंदे एक्स्ट्रा रखने हैं। आप किसी भी प्रोजेक्ट में इस डिज़ाइन को बनाएं, 7 के मल्टीपल से फंदे डालें और 3 फंदे एक्स्ट्रा रखें, तो आपका यह पैटर्न बिल्कुल फिट आएगा। 4 सिलाई का हमारा ये पैटर्न है, 4 ही सिलाई बार बार रिपीट होती जाएंगी तो पैटर्न ऐसे बनेगा और राइट साइड से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा। तो चलिए इस पैटर्न को बनाना सीखते हैं। इस पैटर्न को बनाने के लिए यहाँ पर देखिए, मैंने 7 के मल्टीपल से फंदे लिए और 3 फंदे एक्स्ट्रा रखे, तो हमारे टोटल ये 17 फंदे हैं। अब देखिए डिज़ाइन, पहला फंदा स्टिच का हम सीधा बुनेंगे। अब देखिए यहाँ से हमारा डिज़ाइन रिपीट होगा, तो यहाँ पर देखिए एक फंदा और हम सीधा बुनेंगे, जाली बनाएंगे और फंदे को ऐसे सामने लाते हुए देखिए 2 का एक कर देंगे। अब 2 फंदे बुनेंगे और फिर से यहाँ पर देखिए 2 फंदों का ऐसे आपके इस बार इस तरीके से 2 फंदों का एक कर देंगे। ये देखिए जाली बनाएंगे और एक फंदा सीधा बुन लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे टोटल, तो यहाँ पर देखिए जाली तक हमारे 7 फंदे हुए, 1 2 3 4 5 6 7। फिर से इस वाले फंदे से हमारा डिज़ाइन रिपीट होगा। देखिए एक फंदा बुना, जाली बनाई देखिए और 2 एक फंदे को ऐसे सामने लाते हुए देखिए 2 का एक कर देंगे। 2 फंदे बुनेंगे, इसे यहाँ पर देखिए 2 फंदों का एक कर देंगे। अब यहाँ पर जाली बनाएंगे और लास्ट के 2 फंदे सीधे बुन लेंगे। तो सिलाई कंप्लीट हो गई, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनेंगे। पूरी सिलाई को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। उल्टी सिलाई में हमें कुछ नहीं करना है, पूरी सिलाई को उल्टा बुन लेना है। अब देखिए राइट साइड स्टिच के फंदे को सीधा बुनेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, 2 फंदे और सीधे बुनेंगे। पहले हमने यहाँ एक फंदा बुना था, अब 2 फंदे बुने हैं। जाली बनाएंगे, फंदे को ऐसे सामने लाते हुए 2 का एक कर देंगे। अब फिर से यहाँ पर, क्योंकि यहाँ फंदा नहीं है कोई हमारे पास, 2 फंदों का एक करेंगे। यहाँ पर देखिए जाली बनाएंगे, बीच में 3 फंदे बुनेंगे, फिर से जाली बनाएंगे और सामने से 2 फंदों का एक करेंगे, फिर से 2 फंदों का एक करेंगे, जाली बनाएंगे और 3 फंदे सीधे बुन लेंगे। देखिए उल्टी सिलाई, फिर से पूरी उल्टी ही बुनेंगे। तो सिलाई भी देखिए हमारी कंप्लीट हो गई। आ जाते हैं सीधी सिलाई में। तो 4 सिलाई हमारी डिज़ाइन की बन गई। अब यही 4 सिलाई हमारी फिर से रिपीट होंगी। तो एक बार फिर से देखिए आप ध्यान से, पहला फंदा स्टिच का सीधा बुना, एक फंदा और बुनेंगे, जाली बनाएंगे और फंदे को सामने लाते हुए ऐसे 2 का एक कर देंगे। देखिए अब 2 फंदे बुनेंगे, फिर से 2 फंदों का एक करेंगे, ऐसे जाली बनाएंगे, एक फंदा बुनेंगे, जाली बनाएंगे, फंदे को सामने लाते हुए 2 का एक कर देंगे। 2 फंदे बुनेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे, जाली बनाएंगे और लास्ट के 2 फंदे ये सीधे बुन लेंगे। तो सिलाई कंप्लीट हो गई। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुन लेंगे। तो देखिए सीधी सिलाई, पहला फंदा स्टिच का सीधा बुनेंगे, 2 फंदे और सीधे बुनेंगे,
जाली बनाएंगे, सामने से दो फंदों का एक कर देंगे, फिर से दो फंदों का एक करेंगे, जाली बनाएंगे, तीन फंदे बुनेंगे, जाली बनाएंगे, दो फंदों को ऐसे सामने से लाते हुए दो का एक करेंगे, अब ऐसे दो फंदों का एक करेंगे, जाली बनाएंगे और तीन फंदे लास्ट के तो ये बुन लेंगे। देखिए सिलाई कंप्लीट हो, उल्टी सिलाई फिर से पूरी उल्टी बुन लेंगे। तो देखिए यही चार सिलाई हमारी बार बार रिपीट होती जाएंगी, तो पैटर्न हमारा देखिए इस तरीके से बनकर आ जाएगा। जब हम इन्हीं चार सिलाई को बार बार रिपीट करेंगे तो देखिए कितना सुंदर सा पैटर्न बनकर आया है। तो आप कैसा लगा आपको मेरा डिज़ाइन? अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। और मेरा एक और चैनल है अमेजिंग क्रोचेट ट्यूटोरियल के नाम से, वहाँ पर मैं आपको करोशी के पैटर्न सिखाती हूँ, तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आप मिस नहीं कर पाएँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।